हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आज हम दोनों, मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ही आपसे थोड़ी सी बातें करेंगे। मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ही काना गार्डन में काम करते रहते हैं और हमने ही क्रिएट किया है काना गार्डन। और काना गार्डन क्या है ये तो मैं अक्सर आप लोगों के साथ बात करती रहती हूँ। काना गार्डन मेरा यही टेरेस गार्डन है जहाँ पे हम इस समय शाम के टाइम पे बैठे हुए हैं। धूप होती है सवेरे तो ये वीडियो नहीं बना पाते हम, तो अभी शाम के टाइम हम आपसे थोड़ी सी बातें कर रहे हैं आज। ये मेरे हस्बैंड हैं और ये भी थोड़ी सी बातें आज आपसे करेंगे। हाँ, तो आप भी कुछ बात करिए। एक्चुअली आज हम लोग ऊपर आए तो देखा 3 दिन से यहाँ बारिश नहीं हुई थी, खूब तेज़ धूप होते। जब ऊपर आया देखा सारे पेड़ जो हैं मुरझाए, पत्ते सब गिरे हुए, फॉल पीले पीले हो रहे थे। तो मैंने कहा मेरा काम है पानी डालने का, तो मैंने कहा मैं वही शुरू करता हूँ आज अपने अपने तरीके से। तो मैंने आज उसका पानी डाला। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊँ, मेरे हस्बैंड और तो मेरी कोई हेल्प नहीं करते हैं। एक ही हेल्प करते हैं पानी डालने में और दूसरी हेल्प करते हैं प्लांट्स की परचेजिंग में। इनको प्लांट्स परचेज करना बहुत पसंद है और इनकी ही चॉइस होती है, मेरी कम होती है, मेरी नहीं सुनते हैं उस समय ये। और इनको जो भी प्लांट अच्छा लगता है वो ज़रूर लेते हैं और इनको प्लांट्स परचेज करने का बेहद शौक है। ऑनलाइन भी हमेशा मंगाते रहते हैं और वैसे भी नर्सरीज में जाते रहते हैं और लाते रहते हैं प्लांट्स। ये उनको बहुत ज़्यादा शौक है प्लांट्स की परचेजिंग का और प्लांट्स के बारे में इनकी नॉलेज भी बहुत ज़्यादा है, मुझसे भी ज़्यादा है। मुझे भी बहुत बार बताते रहते हैं प्लांट्स के नाम वगैरह और कौन सा लाना चाहिए, कौन सा धूप में चलेगा और कौन सा छांव में चलेगा। ये सब चीज़ें इनको बहुत नहीं, काम तो मैं ही करती हूँ, काम ज़्यादातर मैं ही करती हूँ। एक्चुअली मुझसे काम लेना है तो अनड्यू क्रेडिट देना पड़ता है ना। ये हो सकता है। बट ये मेरी हेल्प इस तरह से करते हैं कि कौन से प्लांट्स लगाने हैं और कैसे लगाओ, कितना बड़ा पॉट लो, और मुझे इनक्रेज करते रहते हैं। मैं कभी कभी बहुत थक जाती हूँ, परेशान हो जाती हूँ कि चलो हटाते हैं सब, बड़े बोलते हैं कि नहीं नहीं करो करो, मैं करवा रहा हूँ साथ में। तो अभी ये भी रिटायर्ड हैं, मैं भी रिटायर्ड हूँ और हम लोग इससे पहले एक स्कूल भी चला रहे थे और वो भी हमने बहुत सालों तक चलाया और काफ़ी अच्छे से चलाया। और अभी हम और सिर्फ अपना गार्डन चला रहे हैं और इस समय बहुत उसी में ही खुश हैं और काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं इस तरह से आप लोगों के साथ और काना गार्डन के साथ। तो आज बस थोड़ी सी बातें आपके साथ यही शेयर करनी थी। तो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग और आपके सपोर्ट के लिए हम आपका बहुत बहुत थैंक यू करना चाहते हैं। इसी तरह से अपना सपोर्ट बनाए रखिए और काना गार्डन को देखते रहिए और ज़रूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच।